what is going on guys, स्वागत है सभी का एक brand new video में। And यार I'm really sorry कि मैं सुबह sneak peek की video नहीं डाल पाया as soon as it came on the YouTube channel of Marvel Future Fight. The reason being that मेरे college open हो चुके हैं and I have been quite busy these days. So really sorry कि काफ़ी late video आ रही है, but यार fans हो तो देख लो यार video को। तो यार आज के इस video में obviously as you all know we are going to talk about a new sneak peek जो कि August update के mid month patch से related आया है। And it blew me away. Like the moment I saw this sneak peek, I knew something amazing was in the store for us. And उसी sneak peek को break down करेंगे and I will be telling you what are my thoughts and opinion on that sneak peek, because I have both positive and negative feedback regarding this sneak peek in general. So yeah, without any further ado, सबसे पहले चलते हैं यार forum पे. Let's take a look at that sneak peek. Let's take a beautiful look at that sneak peek, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त sneak peek है and I think one of the most awaited sneak peek है. Like लोग काफी समय से बोल रहे थे यार ये uniform मिल जाए तो मजा आ जाएगा, या फिर इस web series का अगर अपडेट आ जाए तो मजा आ जाएगा. तो यस, वेब सीरीज से मैंने आपको एक हिंट दे दिया एंड आई नो आपको पहले से ही पता है. सो लेट्स टेक अ लुक. तब हमें सीएम फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, ग्रीटिंग्स एजेंट्स, दिस इज द सीएम फ्रैगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट. अथॉरिटीज हैव कॉट अ लोकी वेरिएंट थ्रेटनिंग टू ओवरथ्रो आर टाइमलाइन. ही सीम्स टू बी कोऑपरेटिंग फॉर नाउ. हाउएवर सोर्सेस से दैट दे वर सीकिंग फॉर अनदर लोकी with other nefarious intentions still at large. तो one of the thing is that जो कि मैं आप क्लियर करना चाहूंगा, it is regarding the Loki web series जो कि Marvel Studios की तरफ से है and I hope you have watched it, because मैं थोड़े बहुत spoilers में जाऊंगा, so you have been warned. तो यहाँ पे जो दूसरे लोकी वेरिएंट की बात की जा रही है, दैट इज फ्रॉम अनदर टाइमलाइन एंड इट इज नन अदर देन सिल्वी, द हीरोइन इन द वेब सीरीज एंड काइंड ऑफ अ विलन इन द एंड. जो कि अगर आप वेब सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड जो देख चुके हो वो समझ गए होंगे, कैंग द कॉन्करर. या आई नो, सो लोकी इज गेटिंग अ ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म. यहाँ पे हम स्नीक पीक के थंबनेल में देख सकते हैं लोकी लॉफे सन. यहाँ पे लॉफे सन बताना जरूरी है क्योंकि दिस लोकी इज सन ऑफ लॉफे, जो कि हमें पता है जैसे कि ही इज नॉट ओरिजिनली द सन ऑफ ओडिन, ही इज लॉफेज सन जो कि यूटेनहाइम के रूलर है एंड तभी आइस की एबिलिटी है लोकी के पास. या तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो दिस वेरिएंट ऑफ लोकी इज कॉल्ड लोकी लॉफेसन एंड द अदर वेरिएंट इज सिल्वी विच इज अ फीमेल लोकी. तो यहाँ पे इस लोकी को यूनिफॉर्म मिल रहा है ऑब्वियसली रिगार्डिंग द वेब सीरीज. तो इसे हम प्ले करेंगे, लेट्स टेक अ लुक एट द स्नीक पीक और देखते हैं कैसा काम किया गया है डेव्स के द्वारा वेब सीरीज के स्नीक पीक पे. तो हियर वी गो. Alright, तो काफी सही स्नीक पीक था यार, मजा आया देखकर, बिल्कुल ही झकास स्नीक पीक था. एक बार मैं थोड़ा ब्रेकडाउन करता हूं, तो यहां पे हमें घड़ी चलते हुए दिखता है. यहां पे अगर हम इसे पॉज करें तब हम देख सकते हैं लोकी सन एप्रीहेंडेड टीवीए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एंड या तो उसे पकड़ा गया है. और आगे देख लेते हैं. ओके, यहां पे हमें क्लॉक स्टिक करते हुए दिख रहे हैं लोकी फॉर प्रेसिडेंट. ओके, तो दिस वन इज अ स्नीक पीक क्योंकि अगर आपने देखा है वेब सीरीज तो एंड में हमें एक दूसरा लोकी भी दिखाई देता है जिसके बैज लगे रहते हैं लोकी फॉर प्रेसिडेंट, जो कि एट द एंड ऑफ टाइम प्रेसिडेंट बनने का कोशिश कर रहा है, लाइक रूल लीडर अमंग्स ऑल लोकी. तो ये काइंड ऑफ एक और स्पॉइलर था. तो वो बैज काफी ज्यादा रेमिनेंस कर रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लोकी फॉर प्रेसिडेंट एंड स्टिल एट लार्ज. ऑलराइट, तो लेट्स सी इफ दिस लोकी इज द वेरियंट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट और इज इट सिल्वी. ठीक है, तो एजेंट्स कीप अ लुक आउट फॉर द वेरियंट इंस्पायर्ड बाई मार्वल स्टूडियोज लोकी कमिंग सून. तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस स्नीक पीक एंड अपडेट एज वेल. और एक चीज जो कि मेरा नेगेटिव फीडबैक अबाउट दिस, तो लेट मी गो अहेड एंड टेल यू. तो सबसे पहले अगर मैं जाऊँगा अपने टाइम अपने टीम में, तो यू कैन सी दिस इज द लोकी डेट आई हैव राइट नाउ, एजेंट ऑफ एसगार्ड यूनिफॉर्म, जिसे आए हुए एक साल भी नहीं हुआ है. दिस हैज बीन इन द गेम फॉर अराउंड 5 months. लेट जैसे 5 या 4 अपडेट पहले ये यूनिफॉर्म लोकी को मिला अलॉन्ग विथ हिज टीयर 3 एंड इस यूनिफॉर्म के मिलने के 1 महीने बाद ही लोकी आउट ऑफ द मेटा हो गया, बिकॉज दिस वॉज द यूनिवर्सल सुपर विलन यूनिफॉर्म फॉर लोकी, जो कि ABX में ऑब्वियसली एक डे है एंड काफी ज्यादा काम आता है. बट आफ्टर दैट बैक टू बैक हमें यूनिवर्सल सुपर विलन कैरेक्टर्स मिले, बी इट सुपर जायंट, ब्लैक ऑर्डर के सभी कैरेक्टर्स को यूनिफॉर्म मिला, उसमें से 2 यूनिवर्सल सुपर विलन है एंड देन वी गॉट डॉक्टर डूम एंड एक दो और है बीच में जिनका मैं नाम भूल गया, तो रियली सॉरी अबाउट दैट. बट काफी सारे यूनिवर्सल सुपर विलन कैरेक्टर्स को यूनिफॉर्म मिल चुके हैं, टीयर 3 एंड अवेकनिंग प्रॉबेबली मिल चुके हैं, दे हैव बीन बिकम स्ट्रॉन्गर देन लोकी. तो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव फीडबैक फॉर मी
एंड आई एम श्योर कि लोकी को जो नया यूनिफॉर्म मिल रहा है उसके चलते वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाएगा इन द गेम में वापस से, बिकॉज लोकी को यार स्ट्रॉन्गेस्ट बनना पड़ेगा बिकॉज ये एजेंट ऑफ एसगार्ड मिलने के चलते लोग ऐसे ही बहुत गुस्सा है। एंड अब अगर ये यूनिफॉर्म भी वीक निकलेगा इस यूनिफॉर्म से ज़्यादा तो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, विच आई एम रियली श्योर अबाउट। और आई थिंक इस यूनिफॉर्म को लोकी वेब सीरीज को नज़र में रखते हुए ही बनाया गया था, दो दिस वन इज नॉट दैट गुड, ठीक है, बट इसे उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। एंड इस यूनिफॉर्म का लुक काफ़ी ज़्यादा मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन में जो लोकी उससे मैच करता है। आई थिंक जब कैरेक्टर डिजाइन करे तो दे थॉट इसे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, नॉट ब्लेमिंग देम, बट या आई एम रियली अपसेट क्योंकि मैंने ये यूनिफॉर्म को लास्ट यूनिफॉर्म सेल में ही पिक किया है एंड आई डिडेंट थिंक कि वेब सीरीज का यूनिफॉर्म आएगा बिकॉज ये यूनिफॉर्म आए हुए कितना कम टाइम हुआ है, बट दे आर गिविंग हिम येट अनदर यूनिफॉर्म। ठीक है चलो माफ किया, बट आई बेटर होप दिस यूनिफॉर्म इज रियली गुड, होना चाहिए, मतलब जो नया यूनिफॉर्म आ रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई हैव अ रेज इन स्पेयर, अगर अच्छा निकला तो आई विल टीयर्स थ्रू हिम एंड गिव हिम दिस रेज और फिर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा हो गया लोकी लॉफेसन विद हिज ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म। अलॉन्ग विद दैट सिल्वी के स्नीक पीक के बारे में लोग बोल रहे हैं कि इट विल नॉट कम इन द गेम, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम वॉर मशीन को जाएंगे तो वी कैन काइंड ऑफ पिन पॉइंट कि कब मिड मंथ पैच आने वाला है, जहाँ पे हम देख सकते हैं शेड्यूल टू रिलीज इन वन डे 16 आवर, इसका मतलब कल का पूरा दिन, फिर उसके बाद एक पूरा दिन एंड देन एक रीसेट के बाद वाला दिन, तो बेसिकली वी कैन गेट वन मोर स्नीक पीक एंड उसके बाद वाले दिन वी कैन गेट द पैच डिटेल्स एंड अलॉन्ग विद दैट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आई थिंक वॉर मशीन का टीयर 3 का एक स्नीक पीक आएगा एंड प्रॉबेबली सिल्वी का भी स्नीक पीक आ सकता है, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट मे बी वी विल गेट सिल्वी, इफ वी डोंट देन मे बी नेक्स्ट अपडेट में सिल्वी आएगी, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि सिल्वी विल बी कमिंग इन टू द गेम बिकॉज इन्होंने बोला है कि एक और वेरियंट को सर्च किया जा रहा है एंड इट इज स्टिल एट लार्ज, तो आई एम श्योर एक और लोकी हमें देखने को मिलेगा। तो एक और बार मैं स्नीक पीक पे चलता हूँ एंड उस कोट को फिर से रीड कर देता हूँ जिधर पे बोला गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे However, sources say that they were seeking for another Loki with other nefarious intentions. तो मतलब एक लोकी पकड़ा गया एंड एक लोकी को अभी भी ये लोग खोज रहे, तो लोकी लॉफेसन इज द यूनिफॉर्म वी आर गेटिंग एंड अनदर लोकी यूनिफॉर्म विल बी कमिंग सून एंड वॉर मशीन का टीयर 3 स्नेक पिक आई थिंक कल आ जाएगा, तो लेट्स कीप अ वॉच ऑन दैट कि कैसा रहता है, अगर टीयर 3 नहीं आता है तो आई विल बी रियली अपसेट अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली सिल्वी। तो या विद दैट इस वीडियो का ही एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेना, आई एम गोइंग टू आंसर देम फॉर यू गाइस। तो विद दैट इस वीडियो का ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ वोइला, बाय बाय।